हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? और आपको पता ही इंडिया के भी क्या हालत चल रहे हैं। पूरा इंडिया नॉकडाउन पे है और होप सो आप घर में ही होंगे। मैं भी घर में ही हूँ और आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं जिसका टॉपिक हमारा होने वाला है कि एमआई के जो स्पीकर्स आपने देखे होंगे जिनको बोलते हैं एमआई पॉकेट स्पीकर्स 2। ये सेकेंड वर्ज़न है इसका। फर्स्ट वर्ज़न मैंने नहीं लिया हुआ है, सेकेंड वर्ज़न मैंने लिया हुआ है। ये मैं आज को बताऊंगा कि ये क्या आपके काम के हैं, ये आपको लेने चाहिए, इसके जो मनी वर्थ है या नहीं है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसको। पहले से ओपन है, कुछ नया नहीं है, बस वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल हो सकती है। और पीछे कुछ दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ। इनपुट 5 वोल्ट है, मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है इसमें, डिज़ाइन बाय शाओमी लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट का नेम दिया गया है एम आई पॉकेट 2, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। और एम आई की ब्रांडिंग दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा नया नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मैं इसकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है या इसकी आवाज़ बहुत कम है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि ये चीज़ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। इसको जस्ट यहाँ पर से आप पुश बटन है, ये पुश एक्चुअली पुश हो जाता है जो इसका ऊपर का है। इसको आप ऐसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करेगी। अब आवाज़ आ चुकी है और ये लाइट ब्लिंक आप अब ये मेरे मोबाइल से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो कनेक्ट हो चुका है, पेयर हो चुका है। और ये यहाँ पर शो करता है कि आपकी बैटरी कम है, ज़्यादा है, और अगर बैटरी लो है तो ये इंडिकेशन दे देगा रेड कलर का। अभी बैटरी है तो ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है मतलब कनेक्टेड है, और बहुत लेट ब्लिंक करेगा मतलब किसी से पेयर्ड भी है। तो और लगातार ब्लिंक करेगा तो इसका मतलब है कि ये पेयर नहीं है, ये पेयर हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है। तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। ऐसे करेंगे तो आप राइट साइड में इसको रोटेट करेंगे तो आपकी आवाज़ बढ़ेगी ऑब्वियसली, और लेफ़्ट साइड में करेंगे तो आवाज़ कम होगी। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। आप देख सकते हैं इसका बॉक्स, सिंपल बॉक्स है। इसके अंदर एक डेटा केबल आती है, वो अभी मेरे पास है नहीं, एक्चुअली खो गई है वो डेटा केबल। तो ये है, अब बात कर लेते हैं कि ये वर्थ है नहीं है। जिस शाओमी इसको दे रहा है ये, वो प्राइस इसका वर्थ है नहीं है। तो मैंने अपने बेसिक होम के लिए लिया हुआ है। जब भी मैं कुछ कहीं जाता हूँ या ट्रैवल कर रहा होता हूँ और उस टाइम एडिट कर रहा होता हूँ और मैं कोई होटल में रुका हुआ था हूँ, तब मैंने इसके लिए इसको लिया हुआ है। उस टाइम क्या होता है कि जो मेरे लैपटॉप की स्पीकर्स की वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है, तो इसको मैं पेयर्ड कर लेता हूँ आराम से। तो जो बेसिक यूज़ है इसका वो तो अच्छे से काम आ जाता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरे घर में आप इसको चलाना चाहें, इसकी वॉइस जो इसकी वॉल्यूम क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। अगर बात करें, बाकी और भी कंपनी के स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी अलग कंपनी के स्पीकर्स आते हैं 1500 कह रहा हूँ, वो इससे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस बॉक्स, दिस स्पीकर्स। और बेसिक यूज़ के लिए अच्छा है। अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हैं तो सही नहीं है। अगर आप फैमिली गैदरिंग के लिए ले रहे हैं या कोई बर्थडे के लिए ले रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए ले रहे हैं तो सही नहीं है। आप बेसिक नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये सही है, इसलिए पॉकेट स्पीकर दिया गया है इसका नाम। लेकिन बाकी भी कंपनी के पॉकेट स्पीकर्स आते हैं, लेकिन वो इससे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। चाहे आप उससे पीसी से कनेक्ट करें, चाहे उससे आप लैपी से कनेक्ट करें, या उसको आप मोबाइल से कनेक्ट करें। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये मैंने 1500 समथिंग का लिया हुआ है अमेज़ोन से, और इसमें कुछ नया नहीं है वैसे खास बताने वाला, बस यही चीज़ थी, मैं इसका एक रिव्यू देना चाह रहा था। जो भी आप कर लें तो एक बार इसके पहले डेमो ले लें, अगर आपके फ्रेंड के पास है या किसी के पास है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। मैं डेमो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतना कोई ज़्यादा साउंड नहीं है ये डेमो देने वाला कि बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड आ जाएगी या कुछ ऐसा होगा, नॉर्मल साउंड है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।